नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीनर के बात करेंगे। इस स्क्रीनर के मदद से आप जो है कैसे स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, स्टॉक खोज सकते हैं, आप जिस तरह का चाहे उस तरह का स्टॉक सर्च कर सकते हैं। पी रेशियो के आधार पर, RSI के आधार पर, MACD के आधार पर, डिविडेंड यील्ड के आधार पर, तो बहुत सारे ऑप्शन है इस स्क्रीनर में। इस वेबसाइट के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, investing.com पर जो टूल है और फ्री कॉस्ट है, और ये फ्री टूल्स बहुत सारे पेड टूल्स से ज़्यादा बेटर है। समझ सकते हैं कि इतना अच्छा टूल्स है यहाँ पर investing.com पे, जिसके मदद से आप हर तरह के स्टॉक को सर्च करके खोज सकते हैं यहाँ से। हम जो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, इस वीडियो सीरीज में हम आपको investing.com के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे। आज जो हम टूल्स आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ इसमें टूल की मदद से आप कैसे जो है सर्च करेंगे स्टॉक्स को। आपको यहाँ पर टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जा करके यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको स्टॉक स्क्रीनर यहाँ पर आपको खुल जाएगा। देख सकते हैं हमारा स्क्रीनर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, आपका जो भी कंट्री हो, तो हमारा जनरल इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर एक्सचेंज सेलेक्ट करना है। देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पर। जनरली आप जो भी स्क्रीनर लेंगे तो वो पूरे NSE और BSE के सारे स्टॉक्स को मतलब स्कैन करेगा। यहाँ पर आपको स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करना है, चलिए NSE सेलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पर आपको सेक्टर भी सेलेक्ट करने बोला जाएगा, मात्र उस सेक्टर को मतलब स्क्रीनर यूज करेगा आपके जो भी क्राइटेरिया होगा उस आधार पर स्टॉक को स्कैन करने में। तो समझ सकते हैं यहाँ पर हम सेक्टर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा है कैपिटल गुड्स, बेसिक मटेरियल्स, उसके बाद हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी। चलिए हम टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर टोटल आ गया कि एडिट क्राइटेरिया 179 मैच हुआ है। टोटल जो स्टॉक्स हमारा मैच हुआ 179 यहाँ पर। और अगर आप स्क्रीनर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे देख सकते हैं एड क्राइटेरिया। पॉपुलर क्राइटेरिया में हमारा पी रेशियो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन लगा सकते हैं, वन ईयर चेंज लगा सकते हैं, डिविडेंड यील्ड का क्राइटेरिया लगा सकते हैं, एवरेज वॉल्यूम का लगा सकते हैं, फिर रेशियो का, प्राइस का, देख सकते हैं वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी का, फंडामेंटल्स का, डिविडेंड का। यहाँ पर हम डिविडेंड पर क्लिक करते हैं। देखिए डिविडेंड पर बहुत सारा क्राइटेरिया है, डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड 5 ईयर्स एवरेज, डिविडेंड ग्रोथ रेट, पे आउट रेशियो। तो यहाँ हम डिविडेंड यील्ड का देखिए क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो जैसे आप डिविडेंड पर क्लिक किए यहाँ आ गया। चलिए डिविडेंड यील्ड हम क्राइटेरिया लगा देते हैं, मिनिमम 10% डिविडेंड यील्ड होना चाहिए। 10% डिविडेंड यील्ड बहुत ही हाई होता है, ऐसे जनरली डिविडेंड यील्ड जो है हमारा 1% होना चाहिए। मतलब आप जो भी क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। डिविडेंड यील्ड जो है हमारा 1% होना चाहिए, तो 1% इधर हाई रेंज कितना चाहिए आपको ये भी लगा सकते हैं। हाई रेंज में हम लगा देते हैं कि डिविडेंड यील्ड जो है 10% होना चाहिए। आप जैसे आपने यहाँ सारा क्राइटेरिया जो भी चूज करना है आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ से लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा, MACD, ROC, RSI, यहाँ पर देख सकते हैं सारा यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा, जो चाहे आप लगा सकते हैं। चलिए हमने जो भी क्राइटेरिया लगाया उसके आधार पर हमारा सारा स्टॉक यहाँ सेलेक्ट होकर के आ गया। देख का सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आ गया, पहला हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर में, दूसरा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, देखते हैं लार्सन एंड टूब्रो, जो भी हम क्राइटेरिया लगाए हैं उसके आधार पर ये सारा स्टॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। आप चलिए देखें इसमें और हम लगाते हैं क्राइटेरिया, जैसे डिविडेंड यील्ड हम यहाँ से कर देते हैं 5% हमारा मिनिमम होना चाहिए, 10% मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे लगाएंगे 5 से 10%, देखिएगा हमारा ये जो है यहाँ पर स्टॉक हमारा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब आप कैसे समझेंगे कि हमारा स्क्रीनर काम कर रहा है यहाँ पर नहीं, तो देख सकते हैं 5 से 10% किए तो यहाँ पर हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर में सारी टेक्नोलॉजी कंपनी आ गए, जिस तरह का भी टेक्नोलॉजी कंपनी हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ओरेकल, हेग, सीएंट, यहाँ पर देख सकते हैं सारे टेक्नोलॉजी कंपनी आ गए जिसका डिविडेंड यील्ड जो है 5 से 10% के बीच है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी हो, आप RSI लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर RSI भी लगा दीजिए कि RSI हमारा कितना होना चाहिए। अगर ओवरबाउट मतलब ओवरबाउट स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं तो आपको RSI क्या होना चाहिए, 60 से एवब होना चाहिए। ओवरसोल्ड अगर खोजना चाहते हैं तो आपका जो मैक्सिमम RSI होना चाहिए 30 होना चाहिए, तो यहाँ 30 दे दिए कि हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स खोजना चाहते हैं, तो यहाँ हमने 30 दे दिया।
30 दे दिए। अब हम इस पर ओके करते हैं। जैसे हम क्लिक किए देख सकते हैं यहाँ पर हमारे स्टॉक्स आगे एक भी नहीं है, मतलब ओवरसोल्ड जोन में एक भी स्टॉक्स हमारा नहीं है अभी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमने डिविडेंड यील्ड का क्रिटेरिया भी हाई लगा दिया। डिविडेंड यील्ड हम इसको कर देते हैं 1 पे। अब उसके बाद देखिए उसके बाद भी एक भी स्टॉक्स नहीं है, तो ओवरसोल्ड में हम ढूंढ लेते हैं कि ओवरसोल्ड स्टॉक्स यदि ओवरबाउट स्टॉक्स कौन कौन है। तो यहाँ पर हम देखें मिनिमम जो RSI हमारा होना चाहिए 60 होना चाहिए ओवरबाउट में, और इधर हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए 100। 60 से 100 हमारा हो गया, ये ओवर बाउट स्टॉक्स हो गया। तो देख सकते हैं ओवर बाउट स्टॉक्स में हमारा है यहाँ पर देखते हैं RSI जिसका 60 से 100 के बीच है, टाटा कंसल्टेंसी, ओरेकल, एम्फेसिस, एक्साइड इंडस्ट्री, और देखते हैं साथ साथ यहाँ पर हमने डिविडेंड यील्ड भी लगाया 1% मिनिमम होना चाहिए 1-10%, साथ साथ हमारा RSI भी कितना चाहिए 60 से 100 के बीच। तो ये सारे स्टॉक्स आ गए यहाँ पर सेलेक्ट होकर के, मतलब स्किनर जो हमें सेलेक्ट करके दिया ये सारे स्टॉक्स दिया। तो इस तरह से आप investing.com पर स्टॉक को स्कैन करके आप अपने अनुसार जैसा स्टॉक खोजना चाहते हैं वो स्कैन करके आप खोज सकते हैं। तो इसी तरह के हम जो ट्यूटोरियल वीडियो है आपके लिए लाते रहेंगे कि आप कैसे फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, टेक्निकल रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को एक साथ लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर फंडामेंटल्स इंडिकेटर जो भी है वो उसको भी लगा सकते हैं, मतलब जो भी फंडामेंटल क्रिटेरिया है यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो भी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। तो एक साथ सारे इंडिकेटर्स लगा करके आप जो है यहाँ पर स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, तो अपने इन्वेस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो कमेंट करके बताइएगा। तो आगे भी हम इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू रखेंगे, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।